सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सीमा और आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के जोहार वैली मुंशियारी के इस खूबसूरत से क्षेत्र से। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए फिर दोस्तों आज के भी नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर ही लेते हैं। अभी हो रहे हैं दोस्तों मॉर्निंग के 10 और सुबह सुबह घर के काम वगैरह निपटा के नाश्ता वगैरह करके मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। अभी का काम दोस्तों मेरा ये रहा, ये जो मंदिर में चढ़ाया था ऊपर जब चंदा मामा की पूजा करते हैं उस टाइम का ये खाना है, उस टाइम का ये भोग है। तो ये भोग ना दोस्तों 5 जो सुहागन महिलाएं होते हैं उनको दिया जाता है और दोस्तों उनको देने के लिए ना मीठी पूड़ी बनाया जाता है। तो ये मीठी पूड़ियाँ हैं, 5 मीठी पूड़ियाँ बनती है। आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं, उससे ज़्यादा देना चाहते हो वो भी दे सकते हैं। तो मम्मी 5 लोगों को देती, तो यहाँ पर 5 मैंने मीठी पूड़ियाँ बनाई थी कल। और यहाँ पर आलू के गुटके हैं, ये खीर है, गुलाब जामुन अभी मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, गुलाब जामुन मिलेंगे। और ये फ्रूट्स है ऊपर पे दोस्तों जो चढ़ता है वो सारा ना 5 सुहागन महिलाओं को दिया जाता है। और दोस्तों उनके साथ ये बिंदिया और ये सिंदूर वगैरह और जो भी सुहागन की चीज होती है बिछिया इछिया पायल वगैरह वो भी दिया जाता है। जो जितना देना चाहे उनकी मर्जी है, बट 5 पूड़ियाँ ये पकवान वकवान तो देना ही देना पड़ता है और सिंदूर और बिंदी भी देना ही देना पड़ता है। बाकी आप एक्स्ट्रा चीज देना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। तो सुबह सुबह मेरा यही काम चला है दोस्तों इनको ना 5 हिस्सों में बांटने का। तो चलिए फिर लग जाते अपने काम पे। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा पहला काम हो गया है, मैंने 5 पर्चों में सिंदूर रख दिए हैं और यहाँ पे मेरे फ्रूट्स भी कट चुके हैं। तो चलिए फिर दोस्तों यहाँ पे मेरी पोटली भी रेडी हो गई है ऊपर जाने के लिए बुआ के घर पे। तो चलते हैं फिर ऊपर बुआ के घर में सामान पहुँचाने के लिए। आज का मौसम भी दोस्तों कुछ ऐसा है, खिली खिली धूप आई हुई है और ढेर सारे बादल भी आ गए हैं अभी। तो दोस्तों आजकल रोज ऐसे ही हो रहा है, दिन तक धूप आ रही है और दिन के बाद से रोज मौसम खराब हो जा रहा है। तो अभी भी आप देख सकते हैं ढेर सारे बादल आ गए हैं आसमान में और आज पता नहीं कैसा रहता है मौसम दिन के बाद से। बाकी दोस्तों मम्मी जा रही है गांव वाले दुकान पे बर्तन धोने वाला साबुन लेने के लिए और साथ में दीदी भी है। ये फिर दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ बुआ के घर में सामान देने के लिए। देखो बुआ के घर में मैं पहुंच गई हूँ। ये है बुआ अपनी नातनी को, उन्होंने पकड़ा है गोदी में, और ये है दादा, उन्होंने अपनी बेटी को पकड़ा है। ओए ये भीमनादी का नाती, इसके नाक में पाती। तो यहाँ पे पहुँचते ही मेरा काम भी स्टार्ट हो गया है दोस्तों। ये है उमा और ये भी नवनवेली दुल्हन है, तो इनको भी मैंने दिया सिंदूर और बिंदिया। बाकी अभी भाभी भी पहुँच गई है जंगल से घास लेके, तो मैंने उनको भी दे दिया है। तो गाइस भाभी को मैंने दे दिया है ये बिंदिया वगैरह। तो गाइस मम्मी के लिए भी भाभी ने दे दिया है यहाँ पे बिंदिया और सिंदूर और जो पूरी होती है वो। ठीक है फिर, थैंक यू बहुत बहुत। तो दोस्तों यहाँ पे मोना भी पहुँच गई है बिंदिया वगैरह देने के लिए। तो यहाँ पे बुआ को टीका लगा रही है, बुआ के लिए भी लेके आई है मोना। क्या लेके आई मोना? पायल और बिंदी। फरमा आते नहीं रखे थे बिमनादी के लिए भी आया यहाँ पे गिफ्ट। करवा चौथ में सबके मजे आ रहे, सबको मिल रहा है गिफ्ट यहाँ पे। ओहो 500 रुपए का नोट, मोना के तो मजे आ गए यहाँ। तो यहाँ पे देखो दादा की बेटी को पापा ने पहना दिया है हमारे वहाँ का टोपी, जोहारी टोपी पहना दिया है छोटी बेबी को। मैं है, नमस्ते बोलो, नमस्ते दोस्तों बोलो, नमस्ते दोस्तों बोलो। तो यहाँ पे जोहारी टोपी पापा ने पहना दिया महक को, महक बहुत खुश हो रही है। नमस्ते बोलो। मोना का लाया हुआ गिफ्ट मोना खुद पहना दे रही है बुआ के पाँव में, पायल लेके आई है मोना बुआ के लिए। बुआ ले क्यों अत्तर मैन में रह ले। पैसे ऐंठने का अच्छा तरीका है ये, देखो सबको टीका लगा रही, पैसा मिलेगा करके रिपेंट। तीनों बच्चे यहाँ पे धूप में आराम से सो रही है, सबसे बड़ी ये है, उसके बाद ये वाली बच्ची है और उसके बाद ये वाली बच्ची है। ये लब्बू की बेबी है, ये प्रमोद की बेबी है और ये राजू की बेबी है, मतलब राजू दा की बेटी है, और ये लवराज की बेटी है और ये दादा की बेटी है। ये देखो इसको, देखो इसको मजे आ रहे हैं डोके में, सब लोग धूप में बैठे आराम से धूप सेक रहे हैं। ये युगल के रहा कोई ला हो। भाभी जी गुस्सा हो गई है कल नहीं आई मैं ब्लॉग बनाने के लिए।
कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगी। तो यहाँ पे भाभी भी लेके आई है बिमला दीदी के लिए गिफ्ट, स्टॉल लेके आई है। नमस्ते करो आप। ये वाला स्टॉल छोटी भाभी लेके आई है, कंचप्पा, कंचप्पा का रंग क्या है। हाँ। तो चलिए फिर दोस्तों, सभी लोगों को यहाँ पे मैंने दे दिया है जो भी था सामान, और अभी मैं जा रही हूँ दोस्तों घर की तरफ को। अभी मैं दोस्तों घर पे पहुँच गई हूँ और अभी मैं हूँ अपने घर के छतों में। यहाँ पे दोस्तों मैंने कपड़े सूखने को डाले हैं छत में। ये कपड़े धोए हुए दोस्तों मेरे को लगभग 3 दिन हो गया है। आजकल दिन के बाद से डेली मौसम खराब होने के उससे दोस्तों कपड़े सूख ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बरसात का दिन हो। बरसात के दिनों में भी दोस्तों ऐसे ही रहता है सीन, कपड़े उठाओ रखो उठाओ रखो, इस चक्कर में ना कपड़ों को सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। जारू के टाइम में दोस्तों इतनी चटक धूप लगती है कि एक धूप से कपड़े सूख जाते हैं। बट आजकल दोस्तों मौसम डेली डेली ऐसे ही हो जा रहा है, दिन के बाद से ख़राब हो जा रहा है, जिस चक्कर से कपड़े सूखे ही नहीं है। तो रोज़ मेरे को सुबह छत पर लेके आना पड़ता है और दिन के टाइम पर उसको नीचे लेके आना पड़ता है। और आजकल ना मोटे मोटे कपड़े पहनना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया ना, तो मोटे कपड़े सूखने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगते हैं। दूसरे दिन मॉर्निंग का दोस्तों कुछ ऐसा है नज़ारा सामने पे, जो हमारा पंचचुली है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आज खिली खिली धूप खिली हुई है दोस्तों, और पंचाचुली काफ़ी मस्त लग रहा है क्योंकि इसमें बर्फबारी हुई है। अभी मैं जा रही हूँ दोस्तों मार्केट में, और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 4:30। तो चलते हैं मार्केट में। मैं मार्केट में पहुँच ही गई हूँ, अभी मुझे जाना है सुनार के दुकान में क्योंकि वहाँ पर ना मम्मी का काम है। तो पहुँच चुके हैं हम लोग सुनार जी के दुकान पर। दुकानों में दोस्तों आजकल सारे दिवाली के सामान लगे हुए, तो यहाँ पे जो भी है ये शो पीस वगैरह है, और भगवान जी के फ़ोटो वगैरह हैं, और इधर साइड में पॉट वगैरह रखे हुए हैं फूलों के, और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हैं। कुछ ऊपर पे रखे हुए हैं और कुछ नीचे पे है, ये देख सकते हैं ये पिंक वाला रोज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइज़ अभी हम लोग पहुंच गए हैं सुनार की दुकान से केडी भैया की दुकान पर, और यहाँ पे हम लोग ना गरम पजामा वगैरह देख रहे हैं क्योंकि मुनस्यारी का ना जो क्लाइमेट है वो बहुत ही चेंज हो गया है, बहुत ही ठंडा हो स्टार्ट होने लग गया है यहाँ को। अभी हम आए हैं धीरू भैया के यहाँ पे चाउमिन और मोमो खाने के लिए। मैं तो चाउमिन खाती हूँ और दीदी मोमो खाती हूँ, तो अभी बन गया, अभी आएगा। गाइस हमारा आ गया है यहाँ पे मोमो और चाउमिन, तो माही ने यहाँ पे चाउमिन खाना स्टार्ट भी कर लिया। कैसा बन रहा है माही? अरे कैसा बन रहा है? और दिन के हिसाब से आज अच्छा नहीं बन रहा है चाउमिन। अच्छा मत रहने देना, भी मत खा, मुझे दे। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग मार्केट से पहुंच गए घर में। अभी तो क्या हमें घर पे पहुंचे हुए लगभग 2 घंटा हो गया है। अभी यहाँ पे दोस्तों टाइम 8 बज गए हैं, और चलिए फिर दोस्तों आज के इस छोटे से ब्लॉग को भी इतना रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे, अगर पसंद आते हैं तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं सीमा आपको मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय देव भूमि उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। Thank you.